आज है फ्राइडे, कल सैटरडे, फिर संडे, वीकेंड आ गया, यानी कि पार्टी टाइम। लेकिन हम आपको वेट नहीं कराएंगे पार्टी का, आई मीन हम पार्टी करेंगे, लेकिन अभी आपको लेकर चलते हैं एक ऑसम हैपनिंग बर्थडे बैश में। पता है किसके बर्थडे बैश में? नेहा महाजन, अद्विक, दिव्य दृष्टि वाले अद्विक, उनकी वाइफ जो कि फैशन डिजाइनर है, बड़ी स्टाइलिश है, उनके बर्थडे बैश में लेकर चलते हैं। और यहाँ पर कौन कौन पहुंचा ये देखते हैं। और आपको बता दूं, मुझे भी वहां पे जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाई, रियली सॉरी गाइस। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ओके? देखते हैं बर्थडे बैश। स्टाइलिश बर्थडे गर्ल और कलरफुल मेहमान, रॉकिंग महफिल और सितारों से सजी शाम, सुपर सेलिब्रेशन के लिए और क्या चाहिए? दोस्ती का रिश्ता निभाने अद्विक महाजन की लाइफ पार्टनर नेहा महाजन के बर्थडे को मेमोरेबल बनाने शिवांगी जोशी आए। ये बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, ये कुछ जितनी सुंदर है उतना ही उससे कई ज्यादा सुंदर टैलेंट इनके हाथों में है दूसरों को और भी सुंदर बनाने का। बर्थडे का मैं इनके हाथ चूमना चाहिए। रीम शेख, शशांक व्यास, हेली, तान्या, मानसी के आने से जश्न में खूब रंग जमा। सना और नायरा के साथ दिव्य दृष्टि फैमिली का यादगार पुनर्मिलन भी हुआ। तो नजर की मोहदा और अंश भी मिले। कैसा लग रहा है आपको सब पर अब शूट करके मेरे बिना? बहुत मिस कर रही हूँ हर्ष। एक बार रो दो ना। नहीं, बस आप लोग और दुखी कर। मैं बहुत मिस करता हूँ मोना मैम को। जब बर्थडे टीवी स्टार्स को स्टाइलिश बनाने वाली डिजाइनर नेहा का हो तो पार्टी में आए गेस्ट का लुक भी स्टाइलिश होना चाहिए ना? ये बात हमें नजर भी आई। पार्टी में हमें ट्रेंडी इयररिंग्स का क्रेज भी खूब दिखा। हार्ट शेप हूप्स पहने हैं मैंने एंड आई लव वेयरिंग हूप्स बिकॉज आई थिंक इट सूट्स माय फेस। सब पर ब्लैक कलर का मैजिक चला। ब्लैक में सब अच्छे दिखते हैं तो इसलिए ब्लैक मेरे लिए सेफ था। मैंने भी पहन लिया। कुर्ता मिला ब्लैक पहनना सिंपल। हम दोनों ने थोड़ा कलर कोऑर्डिनेट किया बिकॉज जब भी मैं यू नो कुछ स्पेशल इवेंट होता है तो मुझे होता है कि हम थोड़ा कलर कोऑर्डिनेट करें तो पिक्चर्स बहुत ही अच्छे आते हैं हमारे। और आदिक ने भी एक बॉम्बर जैकेट पहना है विद सम नाइस फंकी शूज एंड अ ब्लैक हमें पता नहीं था अगर ऐसा कुछ थीम है तो इट्स अगेन बाय चांस। मैंने बॉडी सूट एक ब्लैक टॉप पहना है फिगर हगिंग, उसके साथ प्लीटेड स्कर्ट जो अभी इन है उसको मैंने एक्सरसाइज किया है ब्रॉड बेल्ट से विच इज वेरी इन एंड दिस गाय इज वेयरिंग अ वेरी कूल स्वेटशर्ट। आई लव वेयरिंग डेनिम एंड डेनिम के साथ मैंने हमेशा ब्लैक ही पेयर किया है। आई थिंक पीपल मस्ट हैव नोटिस्ड दैट बाय नाउ। आई थिंक डेनिम इज क्वाइट इन
और डेनिम ड्रेस भी अच्छी दिखती है तो मैंने पहन ली। कुछ सोचा नहीं था कि मैं बैकलेस पहनूंगी या कुछ भी ऐसा है, बट ये कबर्ड में रखा हुआ था और मुझे दिखाई दे रहा था, मैंने कहा यार ये काफ़ी टाइम हो गया, इतने साल हो गए मैंने पहना नहीं, मैंने कहा पहन लेती हूँ। आज मैंने सोचा आज नेहा का बर्थडे है तो मैं भी थोड़ा चमक धमक करके आ जाती हूँ, इसीलिए आई वोर दिस क्वीन ड्रेस विद अ काइंड ऑफ हील दैट वुड गो विद एनीथिंग। और ज्वेलरी में भी मैंने ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। स्टाइल के मामले में टीवी स्टार्स का कुछ खास ना करना भी फैंस के लिए स्पेशल बन जाता है। पार्टी में दिव्य दृष्टि की दिव्या और शेखर यानी नायरा और करण खन्ना सबसे डिफरेंट नजर आए। कोरोना से बचने के लिए दोनों हमें मास्क लगाए और बार बार सैनिटाइजर यूज करते हुए नजर आए। कुछ ऐसा ही हाल शो में इनकी मां रही महिमा शेरगिल यानी वैष्णवी का भी था। बहुत लोग देख के हंसते के मास्क पहना है, सैनिटाइजर लगा रहे, पीपल मेक फन ऑफ इट। इसको भी पहले स्टार्टिंग में लग रहा था, बड़ा इंसिस्टेड के भाई करो, सी साफ स्ट्रांग हो सकते हो नहीं हो सकते, यू डोंट नो दैट। प्रिकॉशन जरूरी है लेकिन कोरोना के डर को बीट करते हुए सारे दोस्त पार्टी में पहुंचे। सबने नेहा से अपनी बॉन्डिंग और पहली मुलाकात को याद किया। कब हुई थी हमारी पहली मुलाकात? तो इतने साल हो गए, कब हुई थी यार? कब हुई थी यार? पहली मुलाकात तो मुझे याद नहीं है, बट मुझे याद है मुझे नेहा ने मैसेज किया था फर्स्ट टाइम। नहीं बट मिले कब? पहली मिले यार, यार हमें याद ही नहीं आ रहा, हमारी याददाश्त कमजोर हो गई। मुझे याद ही नहीं है, सालों से एक दूसरे को जानते हैं कि हमें याद ही नहीं आ रहा, मतलब हम बचपन से जानते हैं यार। I don't remember when did I meet her the first time, but अरे बादाम लाओ। ये लोग हमेशा कुछ ऐसे ही चढ़ाते हैं। हम लोग वो देवड़ी में शूट कर रहे थे जहाँ पे वो साचिनी का घर था, और ये मैडम पता नहीं ट्रैक पैंट पहन के कहीं तो कहीं से आई थी और बाजू में बैठी थी। मैं बोला अरे भाभी तो मेरे बाजू में बैठ के हम लोग दोनों मॉनिटर पे अद्वीक का शॉट चल रहा था तो वो देख रहे थे। तभी मैं फर्स्ट टाइम आई थिंक आई रिमेम्बर आई टुक अ पिक्चर विद हर एंड पुट इट अप ऑन माय स्टोरी भाभी ऑन सेट। मैं तो श्रद्धा की बर्थडे पार्टी एंड उसके बाद से तो वी आर फैमिली फैमिली ये मेरा सबसे प्यारा भाई है। फ्रेंडशिप की ये बॉन्डिंग ऐसी ही और पक्की होती जाए। सास बहू और सस्पेंस की तरफ से भी नेहा को बर्थडे की ढेरों बधाइयां। मुंबई से इंडिया टीवी के लिए हिमांशु असवाल की रिपोर्ट।